स्वागत है दोस्तों आपका शेयर मार्केट का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रो ऐप के बारे में। ग्रो ऐप में जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ सकते हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर रिसेंटली ग्रो वालों ने भी अपना थोड़ा चार्जेस चेंजेस किया है, इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप सबके लिए ये चार्जेस एप्लीकेबल है और डायरेक्टली मैं आपको ग्रो के वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट वीडियो हो जाता है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जान लीजिए, अकाउंट ओपनिंग का तो कोई चार्जेस नहीं है और ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस है, लेकिन जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें या फिर डिलीवरी बेस पर ट्रेडिंग करें या फिर कोई शेयर खरीद बेच करें, आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा और ये ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपीस है, लेकिन आज के समय में मिनिमम 2 रुपये का ब्रोकरेज भी एप्लीकेबल हो गया है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब आपने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो मिनिमम 2 रुपये ब्रोकरेज आपका देना बन जाएगा। इसके अलावा 0.1% का एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, तो मिनिमम 2 रुपीस या फिर 0.1% विच एवर इज हायर, एंड आफ्टर डैट जो अमाउंट आएगा उसको इस 20 रुपये से कंपेयर किया जाएगा, तो दोनों में जो लोअर रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल में मान लेते हैं आप 1000 रुपये का शेयर खरीदने का ऑर्डर प्लेस करते हैं, इस केस में 1000 रुपये का 0.1% जो है वो बनता है 1 रुपये। अब देखिए, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये से कम है इसलिए यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा 2 रुपये, और क्योंकि 2 रुपये 20 रुपये से कम है इसलिए 2 रुपये ही आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे। अब देखिए, जब आप सेल करते हैं 1000 रुपये का शेयर तो उस केस में भी आपको मिनिमम 2 रुपये का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर F&O चार्जेस के बारे में बताया जा रहा है, इन सब के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर शेयर बाइंग और सेलिंग चार्जेस की बात कर रहा हूँ, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें या फिर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदें। अब देखिए, नीचे में यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिया गया है, डायरेक्टली ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं हमने जो चार्जेस बताया वो सही है कि नहीं। सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस देखता हूँ सबसे पहले। जैसे देखिए, हम यहाँ पर मिनिमम 1 क्वांटिटी कर देते हैं, प्राइस को सेम कर देते हैं। देखिए, जब डिलीवरी बेसिस यानी कि शेयर को हम लंबे समय के लिए रखेंगे अपने पास, तब क्या चार्जेस देने पड़ रहे हैं? जो ग्रो का चार्जेस है यानी कि जो ग्रो का ब्रोकरेज चार्जेस है वो 4 रुपये, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2 रुपये बाइंग के समय में, 2 रुपये सेलिंग के समय में, तो 4 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस हो गया। इक्विटी इंट्राडे में देखिए, सेम 4 रुपये का चार्जेस, मतलब आप शेयर इंट्राडे के लिए खरीद बेच करें या फिर डिलीवरी बेसिस पे खरीद बेच करें, आपको 4 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस हर बार देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बात है, यहाँ पर आपको इस चार्जेस पे GST भी देना पड़ता है 18%, वो भी थोड़ा बहुत नहीं है, 18%। इसके अलावा जो नॉर्मल गवर्नमेंट के चार्जेस है वो तो सब ब्रोकर के साथ सेम ही है, यहाँ पर नॉर्मल STT चार्जेस है, ट्रांजेक्शन चार्जेस है, ये सारे चार्जेस हर जगह सेम है चाहे आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम करें। इसके अलावा एक और चार्जेस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, वो चार्जेस है DP चार्जेस। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ DP चार्जेस, ये DP चार्जेस तब एप्लीकेबल होता है जब आप शेयर लंबे समय के लिए खरीदते हैं, 1 या 2 दिन के लिए खरीदते हैं या 1-2 महीने के लिए खरीदते हैं या सालों के लिए खरीदते हैं, तब जब आप शेयर को अपना सेल करते हैं तो आपको 18.5 रुपये, यहाँ पर 3.5 रुपये दूसरे चार्जेस है और 15 रुपये ग्रो के चार्जेस है, तो 18.5 रुपये प्लस 18% GST, ये 2 मेजर चार्जेस है जब भी आप शेयर खरीद बेच करते हैं, चाहे वो इंट्राडे के हिसाब से खरीद बेच करिए या डिलीवरी ट्रेडिंग के हिसाब से खरीद बेच करिए, आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। रिसेंटली इन्होंने भी अपना चार्जेस चेंज किया, नहीं तो पहले काफ़ी कम चार्जेस था। एंजल वन ने भी अपना चार्जेस चेंज किया, अगर एंजल वन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर मार्केट का ज्ञान यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक करके रखें।